देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी कड़ी में आज से ये हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी देश में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसे एक अभियान के तहत लिया हुआ है और घरों पर तिरंगा कैसे फहराया जाएगा, क्या तैयारियां हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और कितना अहम है, कितना अहम योगदान जनता को देना पड़ेगा इस अमृत महोत्सव में? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा बर्बाद जर्मनी हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना के कारण जर्मनी ने इतने जल्दी प्रोग्रेस की कि वो पूरी दुनिया में जितने हमारे उच्च विकास वाले देश थे उनमें आ गया। वहाँ के बारे में ये कहावत है कि यदि कोई भी व्यक्ति हल चला रहा हो खेत में और हेलीकॉप्टर में राष्ट्रगान बज रहा हो और उसे सुनाई दे जाए तो हल छोड़ के खड़ा हो जाता है। राष्ट्र भावना ऐसी चीज है। आदरणीय मोदी जी ने जब से इस देश की ही कमान संभाली है तब से एक राष्ट्रवाद का नया युग प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से ये राष्ट्रध्वज, इस राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए प्रत्येक हमारा जवान जो शहादत देता है अपने आप को धन्य समझता है। राष्ट्रध्वज का प्रत्येक व्यक्ति इस भारत भूमि में पैदा होने वाला सम्मान करता है। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान पूरे देश से अपील की थी झालर घंटी बजाने की, थाली बजाने की, पूरा देश खड़ा हो गया था। आज पूरे देश में आह्वान जो किया है आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र की भावना, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत हो गया है। और निश्चित रूप से मैं भी प्रार्थना करता हूँ अपनी ओर से कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। यही हमारी भारत की शान है, यही इसी से हमारा सम्मान है। सर, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि कोविड के दौरान भी देखा गया था, जैसा भी आपने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, लेकिन उस दौरान भी विपक्ष ने कहीं ना कहीं इसमें कन्नी काटी थी। इस बार भी जो तिरंगा अभियान आप लोग चला रहे हैं, विपक्ष ने कोई भी सहभागिता नहीं दिखाई, जबकि उत्तर प्रदेश या देश की जनता साथ में है, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है, तो क्या विपक्ष के नेताओं को भी कुछ संदेश देना चाहिए? पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जिस व्यक्ति में राष्ट्र की राष्ट्र के प्रति भावना होगी वो निश्चित रूप से अपने घर पे तिरंगा झंडा जरूर अमृत महोत्सव के अवसर पर लगाएगा। ठीक सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिसके मन में भी देश को लेकर के प्रेम होगा वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन पाइम।